गुरु की महिमा को समझना। ये माया रूपी नारी से गुरु ही बचाएगा, गुरु हमारा रक्षक है, गुरु संरक्षक है, गुरु प्रहरी है, हमारे चरित्र रूपी संपदा का पहरेदार गुरु है, गुरु सुरक्षा गार्ड है, हमारे वैराग्य रूपी धन की भी रक्षा करता है, ब्रह्मचर्य रूपी धन की रक्षा करता है। दुनिया का समस्त धन जो सुख नहीं दे सकता है, वो ज्ञान धन, वैराग्य धन, ब्रह्मचर्य का धन, सद्गुण सदाचार का धन आपको उससे भी बड़ा सुख देता है और आपके जीवन को धन्य कर देता है और आपकी यश कीर्ति को अमर कर देता है। इसलिए वैराग्य धन को देने वाला गुरु है और बचाने वाला गुरु है। अतः गुरु के चरणों में सदैव शुद्ध प्रेम रहना चाहिए, लालच भरा प्रेम नहीं होना चाहिए। प्रेम हो तो सत गुरु से प्रेम होना चाहिए, प्रेम हो तो सत गुरु से प्रेम होना चाहिए। जो बने विषयों के प्रेमी उनपे रोना चाहिए, जो बने विषयों के प्रेमी उनपे रोना चाहिए, उनपे रोना चाहिए, उनपे रोना चाहिए। प्रेम हो गुरु के चरण में भाव होना चाहिए, प्रेम हो गुरु के चरण में भाव होना चाहिए। बिन गुरु मुक्ति पंथ को पावे, बिन गुरु चौरासी में जावे, बिन गुरु मुक्ति पंथ नहीं पावे, बिन गुरु नर चौरासी जावे, गुरु बिन ज्ञान भक्ति नहीं भाई, गुरु बिन ज्ञान कछु न सुहाई। गुरु की महिमा को समझना। कबीर साहब कहते हैं, बड़ी मार्मिक बात है, नारी सकल पुरुष वही खावे। खाने का मतलब मुंह से खा के चबा के नहीं, खाने का मतलब है माया रूपी नारी ने, ये नारी नहीं, ये जो जिससे तुम्हारा जन्म हुआ इस नारी की बात नहीं, ये माया रूपी नारी है। माया रूपी नारी समस्त स्त्री पुरुषों को कर्तव्य से भुला देती है, भोग विलास में सुला देती है। ये माया का प्रभाव आपको धर्म भ्रष्ट कर देता है, ये चोरी छल कपट बेईमानी ईर्षा द्वेष ये सब माया की ही देन है, अविद्या है, ज्ञान ढक गया, माया प्रभावित कर रही है। इस माया के मोह से अपने आप को ऊपर उठाओ। नारी सकल पुरुष वै खाए ताते रहे अकेला, कबीर साहब कहते हैं अकेला रहने को कह रहे हैं। अकेला यानी असंग हो जाओ, असंग यानी
जगत में ऐसे रहो जैसे जल में कमल रहता है। भोग विलास में आकर्षित न हो, बहुत दुख है इसमें। सदगृहस्थ बनकर के रहो, ब्रह्मचारी संत बनकर के रहो। कितने संत लोग भी भेषधारी तो है लेकिन तथा कथित है, वैराग्य में शून्य है, वैराग्य में ऐसी ऐसी गलतियां करते हैं जिनको सुनकर के गृहस्थ भी शर्मिंदा हो जाता है, गृहस्थ के भी मन में होता है। अरे, और याद रखना, आप जो गलती करते हो ना, चाहे भक्त गलती करे, संत गलती करे, या माता पिता गलती करें, या पुत्र गलती करे, या संसारी गलती करे, अधिकारी कर्मचारी गलती करे, आपकी गलती से बहुत लोगों का मनोबल डाउन होता है। आप ये मत सोचो कि मैं बहुत चतुर हूं, अरे चतुर नहीं, बहुत बड़ा पाप लगेगा, बहुत बड़ा पाप लगेगा, क्योंकि आपकी गलती से हजारों लाखों लोगों का भक्ति के मार्ग में मनोबल कमजोर हो जाता है, वैराग्य के पथ में मनोबल कमजोर हो जाता है। एक व्यक्ति फिसल कर गिरता है तो उस रास्ते से निकलने वाले अन्य लोग हिम्मत कम जुटाते हैं, रास्ता बदल कर निकलते हैं। इसलिए साधु अगर फिसल गया तो याद रखना हजारों आत्माओं के मनोबल को डाउन कर देता है, और उनका जो मनोबल डाउन हुआ है, वह जो वैराग्य पथ पे आने की हिम्मत टूट गई उनकी, उसका पाप तुमको लगेगा। तुम्हारे फिसलने के कारण, लुढ़कने के कारण उनकी हिम्मत टूटी। जब भक्ति के मार्ग से एक व्यक्ति विचलित होता है, पूरे गांव के लोगों का चित्त डामाडोल हो जाता है। अरे वो देखो ना, उसका हाल देखो, वो जो रहता था पूर्व वाले मोहल्ले में, क्या नाम था उसका, लल्लू भगत, लल्लू भगत, लल्लू उल्लू भगत हो गया। देखो फिर से दारू पीता, अंडा खाता, बहुत बड़ा इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। इसलिए गृहस्थ को भी चाहिए कि भक्ति में दृढ़ रहे, मजबूत रहे, और संत को चाहिए कि अपनी साधुता में, वैराग्य में दृढ़ रहो, मजबूत रहो। आज इसका ज्वलंत उदाहरण है, हमारे गुरुदेव अपने वैराग्य में, ब्रह्मचर्य में दृढ़ थे तो हम सब लोग उनके पास इकट्ठे हो गए इतने। उनके जीवन को देख करके, उनके जीवन को हमने अपना मॉडल मान लिया, आदर्श मान लिया, और मनोबल बढ़ गया कि वो वैराग्य कर सकते हैं, और इतनी जिंदगी पार कर दिया ब्रह्मचर्य से, पवित्रता से, ज्यों की त्यों चादर रख दिया तो मैं भी कर सकता हूं। और मुझको देख करके ये बहुत से लोग आ गए, ये जितने बैठे हैं सब संत महात्मा, नन्हे मुन्ने साधु लोग, ये सब आ गए। हिम्मत जुट गई इनकी कि अरे मेरे गुरु जी जब कर सकते तो मैं भी कर सकता। एक प्रचारक, कथाकार हो या प्रवचनकार हो, जब वो लुढ़कता है ना, फिसलता है, गिरता है, गलती में कुछ ऐसा होता है, करोड़ों लोगों की श्रद्धा के ऊपर चोट पहुंच जाती है। हंसने वाले ठेलुहा लोग खूब ताली बजाकर हंसते हैं, अरे देख लिया वो, देखो ना। अब उनको मानने वाले जो अनुयायी थे, श्रद्धालु थे, वो भी शर्मिंदा होते हैं कि ये क्या हुआ, हाय बुआ क्या हुआ, किसकी दुआ, ये क्या हुआ। इसलिए नियम संयम में दृढ़ रहो, भक्त को भी दृढ़ रहना चाहिए, टगमगाना नहीं चाहिए। कितने भक्त लोग कहते हैं गलती हो गई गुरुदेव, हमने कहा क्या गलती हुई, अरे बोले क्या बताऊं, दोबारा संकल्प लिया हूं सुधरने का, मैं समझ गया मेहर कुल्ला है ये, बेकार आदमी, सड़ा टमाटर, गलती कैसे हुई, सोच समझ कर रास्ता पकड़ो।
और इसका अर्थ ये भी नहीं कि जो गलती में पड़े हुए बड़े महान, कम से कम इसने ऊपर चढ़ने की कोशिश किया है और चढ़ रहा है और हिम्मत करे तो चढ़ जाएगा, लेकिन जो नीचे पड़े हैं कीचड़ में सड़ रहे हैं वे तो बहुत ही दुर्भाग्यशाली हैं, जो रोज अंडा मुर्गी मछली खा रहे हैं वो क्या तर जाएंगे, वो भवसागर से पार हो जाएंगे कि वो महान हो गए? अरे क्या बात करते हो, वो तो बिल्कुल रो रो नरक भोग रहे हैं और नरक में जाएंगे। इसलिए जो कीचड़ में पड़े हुए हैं, बुराइयों में फंसे हुए हैं, संसारी लोग हैं या जिनसे जिनसे त्रुटि हो रही हो, उनको भी अपनी गलतियों को छोड़ने का प्रयास करना चाहिए और भक्ति के मार्ग पर लगने का प्रयास करना चाहिए और साथ साथ में दृढ़ भक्ति करो। श्री चवन ब्रांड के जीवन में जरूरत के वृहद पिछले 5 वर्षों में लगातार अपनी बेहतरीन औषधियों के द्वारा 1 लाख से अधिक लोग जो दर्द से बेचैन थे, उनका घुटना दर्द, कमर दर्द, जोड़ों के दर्द को ठीक किया है। आगे हमारा यह प्रयास अनवरत जारी है। आप बिना किसी ऑपरेशन के अपना घुटना दर्द, कमर दर्द व जोड़ों के दर्द को आयुर्वेद की सर्वश्रेष्ठ औषधियों के द्वारा ठीक किया जा सके, इसीलिए आज ही आप अपने किसी भी प्रकार के घुटने दर्द को ठीक करने के लिए श्री च्यवन आयुर्वेद की औषधियों को अपने घर पर होम डिलीवरी के लिए संपर्क करें। आज ही ऑर्डर करें श्री च्यवन के अचूक औषधियों को। आप हमसे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं 7714599999, 7716755555, श्री च्यवन आयुर्वेद।